गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वाइफ को जाना है कॉलेज, मैंने उसको बोला मेरे रिज्यूम भी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे वहाँ से। जॉब की तलाश अब भी जारी है, देखो कहाँ पे मिलती है। बाकी आप सबको गाइड करूँगा कि कैसे कैसे मैंने रिसोर्स बनाने की कोशिश करी, क्या क्या सर्च करा घर बैठे बैठे। ठीक है, अगर मिल गई तो। रेडी होते हुए कॉलेज जाना है मैडम को, मस्कारा लग रहा है, लाइनर। मेरे को पता था गलत बोलूँगा, ये बोलेगी फिर चुप ही रहो, आप तो बोले मत करो भाई। ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, जल्दी आ जाओ, रेडी हो चुका ब्रेकफास्ट। भाई बर्थडे है यहाँ पे इसकी फ्रेंड का, क्लासमेट है, फ्रेंड भी है, तो हम सरप्राइज। इतनी अच्छी लग रही है देखो, मैडम की बर्थडे हो, कोट वोट पहन के तेनू लंका तो आ गए बिना बताए आए। हैप्पी बर्थडे आज आप हेड हो, चेयर पे बैठो। Happy birthday to you, happy birthday to you, भाई। वाइफ तो जा चुकी है अपना कॉलेज वगैरह, और इधर बर्थडे भी थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया। अब मुझे कल चावल और चिकन था वो गरम करके खाना है, और नहाना है, फिर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, तो ये सारा काम कर लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन होगा दबा दो, कंजूसी नहीं करना, ठीक है। तो भाई अब लंच कर लेते हैं। लंच के अंदर जो कल चावल लेके आए थे वो गरम करने के लिए रखे हैं, बाकी थोड़े से कम लग रहे हैं, तो एक डबल अंडे की ऑमलेट बना लेंगे, फिर शाम को बनाएंगे खाना, सब्जी स्पेशल वाली जो लेके आए थे, चावल चिकन मलाई। और एक चीज़ और, कई वीडियो आ रही है जो आप भाई देख तो रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी करो, और साथ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पे शेयर भी करा करो, जिससे है ना ज़्यादा से ज़्यादा बीच बीच में एक आधी इन्फॉर्मेशन वीडियो, बाकी रेगुलर वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो, ताकि जो नए आने वाले हैं उनको भी हेल्प मिलती रहे, बाकी जो रेगुलर हमें देख रहे हैं जो अच्छा लगता है उनके लिए भी लोग आता रहे। कल यही चिकन राइस भारी हो रहे थे, खाए नहीं जा रहे थे क्योंकि पेट भरा था, और आज के इतने टेस्टी लग रहे हैं, इसमें चिकन नहीं था लेकिन उसकी ग्रेवी और राइस थे, तो मज़ा इतना आ गया क्योंकि भूख थी, भूख में हर चीज़ अच्छी लगती है, कहते हैं ना सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, इस वो ऐसा वाला हिसाब हो रहा था। अब दो अंडे की एक ऑमलेट बनाएंगे, वो खाएंगे, अपना हो गया लंच, डिनर करेंगे अच्छे से, ठीक है। वैसे तो ये भी इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मेरी डाइट कम ही है शुरू से ही, थोड़ा बहुत खाता हूँ पेट भर जाता है, तो अच्छी चीज़ है वो भी एक। तो भाई ले लिया फ्राई पैन, उसमें डाल दिया घी, देसी घी, और दो अंडे ले लिए। देखो भाई अंडे पे भी यहाँ पे स्टैंप लगी हुई होती है, एक्सपायरी डेट, ये डेट, वो डेट, जिससे लोग गलत चीज़ें ना खा जाएं, ठीक है। इस वाले पे भी है, ये देखो हर अंडे पे आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी, तो आपको कोई गलत चीज़ नहीं बेच सकता। बाकी यहाँ पे नमक इस तरीके से मिलता है, ये रहा नमक, ये अपना गिलास, अपने देसी तरीके से पटपट करेंगे हम तो। और यहाँ पे किस तरीके से चलता है ये देखो, ये चार दिख रहे हैं इस पे, एक दो तीन चार गोले, ये देखो चार गोले, मतलब ये इधर कोने वाला जलेगा इस वाले स्टॉप से, इस वाले से इसके ऊपर वाला, मतलब ये जलेगा, ये दो हो गए, ऐसे दो इधर हैं, ठीक है। यहाँ बना हुआ ये ऊपर वाला जलेगा, ये नीचे वाला जलेगा, साइजेस भी हैं इनके। इसको ऑन करना बहुत ईजी है, यूँ करो, ये ऑन हो गया, ठीक है। और ये भी गर्म पे, हॉट पे भी इंडिकेटर आ जाएगा जैसे ही गर्म हो जाएगा। तो बनाते हैं ऑमलेट, फिर मिलते हैं आपको, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। टाइम देख लो, 3:20 हो रहे हैं। तो भाई हम सिंपल ही बना रहे हैं ऑमलेट, मतलब नमक डाल के और जो अंडा है,
इसमें हमने ना तो मिर्ची डाली, ना प्याज डाले, ना कुछ वेजिटेबल डाले, वो वाइफ करती है सब चीज़ें। अपन तो सिंपल खा के पेट भर लेंगे। अपना एग रेडी हो रहा है, जब तक देख लो डबल अंडे का तो पलटने में मज़ा आएगा। क्या ट्राई करूँ, बेस्ती ना हो जाए, थोड़ा सा और सीखने दो ऐसे वाला पलटने में। सीखने दे सीखने दे। तो पलट तो गया भाई, कुछ हद तक तो पलट गया, इसको सीधा ही तो करना। सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया। टेंटन, तो देखो भाई रेडी हो गया। मैंने बीच में से इसलिए काट दिया था ताकि इजीली मैं चम्मच से पलट पाऊँ। पहले पलटने में थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ गया था, एक के ऊपर एक। तो अब देखो कितना बढ़िया हो गया। और इसको कर देते हैं बंद, लेकिन ये हॉट इंडिकेटर चला रहेगा, मतलब इस पर कोई हाथ ना रख दे पीछे से आके। मैंने मान लो बना के मैं तो चले गया, तो ये लाइट से ये बताता रहेगा अभी गर्म है, इसलिए होता है। अब इसको रखते हैं प्लेट पे, फिर खाते हैं। तो भाई नहा धो के हो गए रेडी। देखो नहाने के बाद कैसी रौनक आ जाती है अलग से ही। अब वाइफ का जो फ़ोन आया था वो आने वाली है, तो अब हम सोच रहे जाएंगे गुरुद्वारे। तो टाइम बचा है, गुरुद्वारे जाएंगे, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। और उसके फिर आज ही टाइम रहता है, उसके बाद कल फिर पूरा वर्किंग डे है उसका। और मंडे से मैं भी अपना रिज्यूम डालना शुरू कर दूंगा, एक दिन और मौज मार लो। फिर कहीं ना कहीं जॉब आता है कॉलिंग, तो जाने शुरू करेंगे। तो मिलते हैं वाइफ के आने के बाद। तो भाई अभी कुछ वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर कामयाबी मिल गई तो आपको बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बता सकता, ठीक है। बाकी एक मंडे को भी मेरे को जॉब के लिए जाना है, कल भी कहीं जाना है, तो स्टार्टिंग हो चुकी है दौड़। मिल जाएगी तो फिर मजे मजे। वाइफ आके ये भी लग गई अपने काम पे, कॉलेज का काम करने लग गई आते ही। चलना नहीं है भाई, ये कैंसिल, मन तो कैंसिल वाला ही लग रहा था, थक रहे हो जॉब का काम करते हुए, जो अपने कॉलेज का। क्या लिखा है कर देना भाई। चाय बन के आ गई, चाय पीते हैं। मैडम भी रेडी। थोड़ा कैमरा ब्लर सा लग रहा है ना, चलो साफ कर लेते हैं इसको। भाई यहाँ पे लोग ऐसे सामान बाहर रख देते हैं, जैसे कोई मूव कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो ऐसे ड्रॉअर वगैरह चीज़ें मिल जाती है। देखो सामान रखने के लिए सीडी हो गई, सिट हो गया, ठीक है, इसमें ड्रॉअर इसमें लग जाएगी, ये हो गया, स्टोरेज के लिए सही रहती है चीज़ें। तो भाई चल दिए हैं, अंधेरा हो गया है और गुरुद्वारे जा रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है। लाइट तो दिखेगी नहीं अब वैसे भी, तो बाद में ही व्लॉग बनाऊंगा उधर पहुँच के। जब तक बस वगैरह पकड़ते हैं। मैडम पीछे पीछे आ रही है, अंधेरा कायम रहे, आवाज़ आ रही है बस। बस का वेट कर रहे हैं, अभी तक तो आई नहीं। हाँ 15 मिनट हो गई, 10 मिनट तो मेरे को टाइम देखे हो गए। और ये रात का नज़ारा है, मौसम मस्त है एकदम। ये मैडम है भाई, ड्रग स्मार्ट से हुआ ही नहीं, उन्होंने कहा कहीं और जाना पड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल वापस जा रहे हैं। क्रिसमस की तैयारी और शुरू भाई। गुरु सिख सभा में आ गए भाई हम, अब अंदर जाएंगे। चमक रहा है। ये देखो चांद कितना क्लियर दिख रहा है ना, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है बाहर। क्रिसाइव सीन, ये हवा की आवाज़ आ रही होगी, हवा तेज चल रही है। अब जा रहे हैं वापस, बस के धक्के खाएंगे, बाकी सारे गाड़ी वाले हैं इधर, गाड़ी से जा रहे हैं। होएगी, टाइम लगता है। काश हम भी कनाडा में होते हैं, ऐसा होता था ना, हो गए ना तो ऐसे गाड़ी भी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा बढ़िया बना, अंदर शांत माहौल। आपकी फ़ोटो ना मेरी पूछते हैं, मेरी फ़ोटो क्या क्या ही करेंगे, लोग जानते हैं मेरे को, आपको जनवाना ज़रूरी है, ठीक है, आपको जनवाना ज़रूरी है, मुझे तो जानते हैं लोग, क्योंकि मैं वीडियो में आता हूँ ना। हाँ ध्यान से देखो इसको, इतनी देर से खड़ी हुई है, इसको बस ही नहीं मिल रही। कितनी देर हो गई, 15 मिनट हो गई, और अभी 15 मिनट और रुकना होगा, आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। 5-7 झूठ बोल दिया भाई। और कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, जितने भी खड़े हैं ऑलमोस्ट सारे इंडियन ही हैं, इधर भी और इधर भी, दूर दूर तक। देख रहे हो कनाडा में पूरा इंडिया,
क्योंकि यहाँ पे बंगला साहिब से हम आए हैं। यहाँ पे सिख गुरु साहिब करके हैं साहब। तो भाई अब जा रहे हैं घर। हवा बहुत तेज चल रही है, हवा की आवाज़ तुम्हें आ रही होगी, मेरी नहीं आ रही होगी। तो गुरुद्वारे भी जा रहे हैं। आज का दिन ज़्यादा लंबा था, आज बर्थडे भी सेलिब्रेशन कर लिया, गुरुद्वारे भी जाए। हवा भी तेज़ चल रही है, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी शायद। हवा ठंड लग रही है। एक कनाडा का प्रेशर कुकर देख लो, ठीक है। नया मेंबर जुड़ गया हमारी फैमिली में, प्रेशर कुकर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये चलता कैसे वो बाद में देखेंगे। इधर बटन है सारे। तो घर आने के बाद हमारे पास समय था कम, क्योंकि कल वाइफ को जाना है ड्यूटी पर। फिर हमने सोचा क्यों ना अब सब्ज़ी बना ली जाती है। तो थोड़ी सी चॉपिंग मैंने करा दी है, सब्ज़ी चढ़ रही है और प्याज व्याज सब गुचक गुचक से कर लिया हमने। हम बना रहे हैं आज स्पेशल आलू गोभी। तो कल की सब्जी की टेंशन खत्म से, ठीक है। और दूध भी यहाँ पर गर्म हो चुका है, यहाँ पर लगा देते हैं एक मिनट और। 00 स्टार्ट। तो भाई हो गई है रात, मैडम सो गई, अब मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट, आज का दिन यही समाप्त करते हैं। बाकी मैं बिल वगैरह चेक कर रहा था, अब कल देखो, कल का दिन अच्छा जाना चाहिए। और मैडम को मैंने बोल दिया जो अभी तक उधर देख ले, ताकि 2 घंटे बच जाए, 3 घंटे जो लग रहे हैं। तब तक ले, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।